दोस्तों बड़े दिनों से लोगों को KGF 2 का इंतजार था। KGF फर्स्ट में रमिका सेन यानी भारत की प्रधानमंत्री रॉकी के लिए डेथ वारंट जारी करती है। पार्ट 2 में पता चलता है कि रमिका सेन का किरदार निभाया है रवीना टंडन ने। चैप्टर 2 में रॉकी अधीरा से लड़ता है, लेकिन चैप्टर 3 होगा रमिका सेन वर्सेज रॉकी। देयर विल बी नो मोर टॉलरेंस। मेरे पास भी हथियार है। दोस्तों क्या आपको पता है KGF फिल्म में रमिका सेन का किरदार भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से प्रेरित है? और क्या आपको पता है कि एक बार पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने भारत की प्रधानमंत्री होते हुए हजारों टन सोना अपने कब्जे में लिया था? दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करेंगे उसी सोने के बारे में। दोस्तों जून 1976 की बात है, भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने जयपुर के एक किले में दफन खजाने को खोद कर निकलवाने का आदेश दिया था, और जिसे निकालने के लिए इनकम टैक्स, इंडियन आर्मी सहित सभी सरकारी एजेंसियों को काम पर लगा दिया गया था। दोस्तों आखिर ये इतना खजाना आया कहां से, और भारत के प्रधानमंत्री को क्यों खजाना लूटने की जरूरत पड़ी, और आखिर कैसे, किस कानून के तहत ये खजाना दिल्ली लाया गया था, इन सभी की बात करेंगे आज के इस वीडियो में। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ये बेल आइकन दबाना ना भूले, ताकि नए आने वाले वीडियो दोस्तों आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों दरअसल इस खजाने का संबंध मुगल काल से है। आपने जोधाबाई का नाम तो सुना ही होगा, जिनका विवाह मुगल बादशाह अकबर से हुआ था, जिसके बाद अकबर ने जोधा के भतीजे राजा मानसिंह को अपनी सेना में सेनापति बनाया और राजपूतों के खिलाफ कई युद्ध लड़वाए। राजा मानसिंह की बहादुरी की वजह से उन्हें अकबर के नवरत्नों में शामिल किया गया था। उन्हीं नवरत्नों में आज तक के सबसे लोकप्रिय और सबसे बुद्धिमान व्यक्ति बीरबल का नाम भी शामिल था। बीरबल अकबर के सबसे प्रिय दोस्त थे। ये बात 1586 की है, जब अफगानिस्तान के यूसुफ जई कबीले ने मुगल सल्तनत के खिलाफ विद्रोह कर दिया। इस वजह से अकबर ने जेन खान कोका के नेतृत्व में पहला सैन्य दल भेजा, लेकिन लड़ते लड़ते यह सैन्य दल थक गया। इसी वजह से दूसरा सैन्य दल बीरबल के नेतृत्व में भेजा, लेकिन कोका बीरबल से जलते थे, इसी वजह से उन्होंने युद्ध में बीरबल का बिल्कुल भी साथ नहीं दिया। युद्ध के दौरान बीरबल और उनके 8000 सैनिक स्वात वैली में बुरी तरह फंस गए थे। यहाँ पर दुश्मन सेना के हजारों सैनिक घात लगाकर ऊंचाई पर बैठे थे। उन्होंने अचानक हमला कर दिया। इस ताबड़तोड़ हमले में बीरबल और उनके सैनिकों को जान बचाने का मौका तक नहीं मिल पाया। दुश्मन सैनिक आसमान से पत्थर और गोले बरसाते रहे और बीरबल और उनकी पूरी टुकड़ी इस हमले में दबकर मर गई। इस हमले में बीरबल की लाश भी नहीं मिल पाई थी, और इस तरह चातुर्य और बुद्धिबल के मालिक का अंत हो गया। बीरबल की मौत से अकबर भी सदमे में थे, इसी वजह से उन्होंने राजा मानसिंह को अफगानी कबीले का सफाया करने का आदेश दिया। राजा मानसिंह बेहद ही पराक्रमी थे, इसी वजह से किसी भी युद्ध में लूटे गए धन दौलत, सोना चांदी और हीरे जवाहरात का अधिकतम हिस्सा राजा मानसिंह को दिया जाता था। अफगानी कबीलों का सफाया करते करते राजा मानसिंह की फौज यूसुफजई कबीले तक भी पहुंची और इस कबीले को पूरी तरह तबाह कर दिया गया। लेकिन इस बार लूट में मिले खजाने को राजा मानसिंह ने दिल्ली ना पहुंचा कर सीधे अपनी रियासत आमेर पहुंचा दिया। ऐसा माना जाता है कि मानसिंह अफगानों से इतना खजाना लूट कर लाए थे कि तिजोरियां कम पड़ गई थी। इसी वजह से आमेर रियासत के किलों में इसे 7 अलग अलग जगह खड्डे खुदवा कर दफन कर दिया गया। हालांकि मुगलों का जैसे ही अंत हुआ, अंग्रेज आए और देश भी आजाद हुआ। आमेर रियासत अब जयपुर शहर बन चुका था। राजा मानसिंह के वंशज जयपुर पर राज करते थे, और वो आजादी के बाद भी उन कुछ एक राजवंशों का हिस्सा थे जो भारत में सबसे ज्यादा शक्तिशाली थे। राजपूतों से ज्यादातर जमीन आजादी के बाद छीन ली गई थी, लेकिन फिर भी जयपुर के किलों पर जयपुर राजवंश का ही अधिकार था। फिर 1971 आया, जब भारत पाकिस्तान में युद्ध छिड़ गया, जिसमें भारत जीता और पाकिस्तान से ईस्ट पाकिस्तान को आजाद कराकर आज का बांग्लादेश बनाया गया। इस युद्ध में भारत की जीत हुई थी, लेकिन आर्थिक नुकसान भी काफी ज्यादा हुआ था। इसी वजह से सारे देश में भूखमरी और बेरोजगारी अपने चरम पर थी। इससे सारे देश में इंदिरा गांधी के खिलाफ आक्रोश पैदा हुआ, जिससे प्रधानमंत्री का सिंहासन हिलने लगा। दूसरी ओर जेपी आंदोलन ने भी अपनी रफ्तार पकड़ रखी थी। अपनी सत्ता को अपने हाथों से फिसलता देख इंदिरा गांधी ने 25 जून 1975 को आपातकाल की घोषणा कर दी। इन्हीं सब के बीच जयपुर का राजघराना भी इंदिरा गांधी के लिए कम मुसीबतें पैदा नहीं कर रहा था। दरअसल जयपुर राजघराने की राजमाता गायत्री देवी, जो कि पहले शांति निकेतन, फिर लंदन और फिर स्विट्जरलैंड में पढ़ी थी, इनका विवाह जयपुर शहर के संस्थापक महाराजा स्वाई सिंह द्वितीय से हुआ।
वोग मैगजीन द्वारा कभी दुनिया की 10 सबसे सुंदर महिलाओं में गिनी जाने वाली राजमाता गायत्री देवी राजनीति में भी सक्रिय थी। इन्होंने सन 1962 में चक्रवर्ती राजगोपालाचारी द्वारा स्थापित स्वतंत्र पार्टी की उम्मीदवारी के रूप में जयपुर संसदीय क्षेत्र से समूचे देश में सर्वोच्च बहुमत से चुनाव में विजय होने का गौरव प्राप्त किया। इसके बाद 1967 और 1971 के चुनाव में विजय होकर लोकसभा सदस्य चुनी गई। एक समय ऐसा भी आया जब उनकी तुलना इंदिरा गांधी से होने लगी और उन्हें प्रधानमंत्री का उम्मीदवार तक भी माना जाने लगा। आपातकाल के बाद सारी राजनीतिक गतिविधियों पर लगाम लगा दी गई थी और राजनेताओं को पकड़ पकड़ कर जेल में डालने का सिलसिला शुरू हो चुका था, लेकिन आपातकाल के बावजूद देश की आर्थिक परिस्थिति दिन ब दिन बिगड़ रही थी और इसी को लेकर इंदिरा गांधी भी काफी चिंतित थी। इसी बीच उनके सहयोगियों में से एक ने अफगानी लेखक की अरबी में लिखी किताब का जिक्र करते हुए जयपुर के जयगढ़ किले में छिपे खजाने की बात कही और इसे निकाल कर लाने का प्रस्ताव प्रधानमंत्री के सामने रखा। एक योजना बनाई गई और इसी के तहत जयपुर की राजमाता और इंदिरा गांधी की सबसे बड़ी राजनीतिक प्रतिद्वंदी गायत्री देवी पर विदेशी मुद्रा रखने का आरोप लगाकर तिहाड़ जेल में डाल दिया गया और गायत्री देवी की संपत्ति की जांच करने के बहाने इनकम टैक्स विभाग और भारतीय सेना को किले में भेजा गया और जून 1976 में जयगढ़ किले में खुदाई का काम शुरू किया गया, जिसमें योजना यह थी कि बिना किसी के कानों कान खबर हुए जयगढ़ किले में एक सुरंग बनाई जाए और आमेर महल तक पहुंचा जाए। खजाने की खुदाई के दौरान कई बड़े आर्मी ऑफिसर्स और खुद संजय गांधी चोपर से जयगढ़ किले में उतरे। कुछ खबरें भी आई कि बड़ा खजाना हाथ लगा है। इसके 5 महीने बाद नवंबर 1976 में अचानक आदेश आता है कि खुदाई को रोक दिया जाए। इन 5 महीनों में जयगढ़ किले को जर्जर कर दिया गया था, उसका एक एक कोना खोद डाला गया था। बाद में खुद इंदिरा गांधी ने बयान दिया कि उन्हें वहां सिर्फ 250 से 300 किलो सोना चांदी मिला है। पड़ोसी पाकिस्तान उस समय भी वही काम करता था जो आज करता है, भीख मांगने का। पाकिस्तान की प्रधानमंत्री भुट्टो ने खजाने में से पाकिस्तान को भी उसका हिस्सा देने की बात कही, जिसके जवाब में इंदिरा गांधी ने कहा कि उन्हें कोई खजाना नहीं मिला। इस खजाने को जयपुर से दिल्ली पहुंचाने के लिए इंडियन आर्मी के ट्रकों का यूज हुआ था। खजाना कितना ज्यादा था इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जयपुर दिल्ली हाईवे को 20 दिन के लिए बंद कर दिया गया था और हाईवे की सुरक्षा भी चाक चौबंद कर दी गई थी, इतना कि कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। कुछ लोग कहते हैं कि उस खजाने को दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचाने के बाद हवाई जहाजों से सीधे स्विट्जरलैंड भेज दिया गया था। वहीं कुछ लोगों का मानना है कि वो ट्रक खाली थे, लेकिन अगर खाली ट्रक आए थे तब कड़ी निगरानी क्यों नहीं की गई थी, इस पर भी सवाल उठते हैं। उसी खजाने के बारे में कहा जाता है कि इसी के सहारे सवाई जयसिंह द्वितीय ने जयपुर शहर को बसाया था और एक बेहतरीन शहर बनाया, जिसे आज वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया गया है। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि इसी खजाने को लेकर बॉलीवुड में बादशाहो नाम की एक फिल्म भी बन चुकी है। तो दोस्तों ये थी इंदिरा गांधी और जयपुर के शाही खजाने के दिल्ली पहुंचने की कहानी। दोस्तों ये कहानी कितनी सच्ची है कितनी झूठी है ये आप खुद डिसाइड कीजिए। दोस्तों फिल्म KGF में आपका सबसे पसंदीदा किरदार कौन है कमेंट करके हमें जरूर बताइए। वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करना ना भूले, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों जल्दी मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।